ज्ञानतिरन्तिमिदं रिकॉर्ड ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरशाता सहगण रघुनाथामितं तं सचिव सावदवैतं सावधूतं पर्यन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीर्घतारं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस ओके यस। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है इस शनिवार के भगवद गीता के रिवीजन के सेक्शन में। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय से, और दूसरे अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भगवान इस दूसरे अध्याय में बता रहे हैं, पूरे भगवद गीता का सार बता रहे हैं कि भगवद गीता में क्या क्या है। तो पहले सेक्शन में भगवान भगवद गीता में भगवान तो हमने चार लेटर्स के से उसको ब्रेक किया है, एक्रोनिम बनाया है, GITA गीता। जी मतलब गुरु। तो पहले सेक्शन में अर्जुन कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, संभ्रम में अवस्था में, और वो बोल रहे हैं कृष्ण की कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म समुचेत येषान्निश्चितं ब्रीयतं मे शिष्यस्त्वं शाधिमां तं प्रपन्नम्। कि मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे पता नहीं क्या करना है, मेरे सामने मेरे सब बांधव खड़े हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा अवसर आता है, ऐसी अवस्था आती है, सिचुएशन आता है कि जहाँ पे हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, घड़ी घड़ी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे गुरु का महत्व हमने चर्चा की थी पिछली बार, गुरु और शिष्य कैसे होते हैं उसके बारे हमने बात किया था। और फिर हमने चर्चा की थी कि कैसे आई फॉर आइडेंटिटी, मतलब मैं कौन हूँ, इसके बारे में हमने चर्चा को आरंभ किया था। और हमने ये चर्चा की थी कि कैसे हम सिर्फ केमिकल्स नहीं है, हम आत्मा हैं, एक शरीर में फंसे हुए हैं। जैसे जो मृत शरीर होता है और जो जिंदा शरीर होता है उसमें ये फर्क होता है कि जो मृत शरीर होता है मृत शरीर के अंदर चेतना नहीं होती है, अ डेड बॉडी डजंट हैव एनी कॉन्शियसनेस, वेयर एज जो जिंदा शरीर होता है उसमें चेतना होती है, वो व्यक्ति बोलता है, हंसता है, फीलिंग्स दिखाता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेड बॉडी एंड अ लिविंग बॉडी। जो मृत होता है वो बिल्कुल हिलता ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसके शरीर से आत्मा चली गई। और ऐसे हम कई बार इस शरीर को त्याग चुके हैं, दूसरा शरीर हमें मिला है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हम बूढ़े होते हैं, मृत्यु को पाते हैं, फिर दूसरा शरीर मिलता है, माँ के कोख में जन्म लेते हैं। ऐसे कई बार होता है और कई बार हो चुका है। तो और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ मनुष्य योनि में, हम प्राणियों की योनि में, जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग योनि दिखाई गई है, हर योनि में हम जन्म लेते हैं और फिर आखिरकार सिर्फ हम इस शरीर में आते हैं जो हमारा मानव शरीर है। तो अभी इसका मतलब है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और हमने शरीर ये फर्क भी देखा था कि शरीर और आत्मा के बीच में फर्क क्या होता है। शरीर जो होता है भौतिक होता है, अचेतन होता है, वो बदलता रहता है। बचपन में जो हमारा शरीर था और अभी जो शरीर है उसमें काफी फर्क है।
अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे, बोला कि कौन है ये। तो वो परिवर्तन आता है, किसका मतलब है कि हमारा शरीर बदल रहा है, घड़ी घड़ी बदल रहा है, अशाश्वत है, कुछ सालों के बाद ये शरीर नष्ट होने वाला है। पर आत्मा का ऐसा नहीं है, आत्मा आध्यात्मिक है, इसका मतलब है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, चेतन है, अपरिवर्तनीय है, मतलब बिल्कुल उसमें चेंज नहीं होता, टेम्पररी है, परमानेंट है वो, इट डजंट चेंज, शाश्वत है मतलब इटर्नल है वो, कभी उसको मार नहीं सकते कोई, और जीवित है, उसी के कारण कोई भी शरीर जीवित है, ये फर्क होता है। तो ये हमने चर्चा की थी कि आत्मा यहाँ पे अंदर बैठा है और बाजू में कृष्ण भगवान है परमात्मा के रूप में, और ये शरीर चल रहा है। वैसे ही कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि नत्व एवं जातो नाशम नत्व नेमि जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम, मतलब कि ये जो तुम सारे लोग देख रहे हो जो यहाँ पे खड़े हैं, वो तुम और मैं पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। इसका मतलब क्या है, पहले भी इन्होंने जन्म लिया था, तुम भी थे, मैं भी था, अभी भी जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे, ये इसका कहने का तात्पर्य है। तो जीव जो होता है, जैसे हमने चर्चा की है कि आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आता है, इसलिए सुख की खोज में, उसको अलग से सुखी रहना है, जिंदा रहना है, अलग से एंजॉय करना है भगवान से, इसलिए आता है। और फिर वो क्या करता है, यहाँ पे सफर करता है, इंग्लिश वाला सफर, यहाँ पे उसको बहुत सारे कष्ट होते हैं। तो और एक यहाँ पे श्लोक बताया गया, देहिनोस्मिन् यथा देहे त्वम् आरम्भे वनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमः। जैसे हम बचपन से लेके बड़े होते हैं और बड़े बड़े से होकर फिर बुढ़ापे में जाते हैं, वैसे हमारा शरीर बदल रहा है, वैसे ही मृत्यु के समय और एक हमें शरीर मिलता है, ये श्लोक बता रहा है, ये हमने चर्चा की थी। फिर पांच प्रकार के बदलाव होते हैं कोई भी जीव में, उसका जन्म होता है, विकास होता है, पोषण करता है, फिर उत्पत्ति करता है, क्षीण होता है और फिर वो मृत्यु को पाता है। पर जो मैटर है वो ये चीजों से बदलाव में नहीं जाता, वो सिर्फ उसका वो जन्म होता है और मृत्यु होता है, मृत्यु मतलब खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, पर आत्मा का ऐसा नहीं है। अब भौतिक दृष्टिकोण क्या है कि अलग अलग जीव हैं, अलग अलग प्रकार के जड़ पदार्थों से बनी है, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, हर एक में एक एक क्या है, आत्मा है, हर एक में आत्मा है, मतलब हर एक कोई आत्मा ही है, उसके ऊपर ये कवरिंग दिया गया है, हम एक्चुअली ओरिजिनली आत्मा है, ये शरीर हम जो देख रहे हैं ये तो टेम्पररी कवरिंग है हमारा। हाँ, वैसे ही हर एक जीव का ऐसे ही है, हाथी हो, कछुआ हो, आदमी हो, गाय हो, बैल हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कोई भी हो, हर एक के ऊपर ये कवरिंग दिया गया है, जैसे हम कपड़े पहनते और चेंज करते हैं वैसे ही ये कवरिंग है। और हमने देखा था कि कार की जैसे एनालॉजी है, कार के अंदर जब तक कोई व्यक्ति बैठ के उसको चलाए ना, तब तक वो कार हिलती नहीं, भले वो ऑटोमेटिक क्यों ना हो। हाँ, वैसे ही इस शरीर के अंदर जब तक आत्मा नहीं है तब तक ये शरीर नहीं चलता, तब तक वो शरीर एक ही जगह रहेगा। जैसे कोई पिंजरा होता है, पिंजरे के अंदर एक पक्षी होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, सिर्फ वो पिंजरे को साफ कर रहे हैं, पिंजरे को अच्छे से रख रहे हैं, पर अंदर के पक्षी को कुछ खिला नहीं रहे। इसका मतलब क्या है कि हम शरीर को सब सुख देने का प्रयत्न कर रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ शरीर के चल रहा है। आप ध्यानपूर्वक देखिए अपने जीवन में क्या हो रहा है, सब कुछ आप शरीर के लिए कर रहे हो, कपड़े शरीर के लिए पहनते हैं, खाते शरीर के लिए हैं, पीते शरीर के लिए हैं, सोते शरीर के लिए, सब कुछ एंजॉयमेंट शरीर के लिए है, आत्मा के लिए जीरो हो रहा है। तो इसीलिए अंदर का पक्षी मरता है, मतलब क्या, अंदर का जो आत्मा है उस आत्मा को आध्यात्मिक खुराक नहीं मिल रही, इसीलिए हम दिन ब दिन अलग अलग कष्टों से पीड़ित हैं, क्योंकि आत्मा जो हम व्यक्ति हैं, जैसे पिंजरा है अभी, ये पिंजरे के अंदर जो पक्षी रखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, पिंजरा इतना महत्वपूर्ण नहीं है कंपैरेटिवली, तो उसको नहीं खिलाया पर पिंजरे को साफ किया, क्या फायदा उसका। वैसे ही आत्मा के लिए जो चाहिए उसको वो नहीं दिया, पर शरीर के लिए जो चाहिए सब कुछ दे रहे हम, तो क्या फायदा उसका। तो आत्मा तो लाचार होने वाली है, आत्मा तो एकदम ये हो जाएगी। और उसका प्रूफ क्या है कि हम आत्मा है, उदाहरण के तौर पे अगर कोई गुजरता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो कैलाशवासी हो गए, वो गुजर गए, ऐसा बोलते हैं, अरे कहाँ गुजर गए, वो तो यहीं पे है उनका शरीर, पर वो जो उसका आत्मा है
स्थूल शरीर के साथ वो यमलोक यमदूत लेके जाते हैं या विष्णु दूत लेके जाते हैं, डिपेंड करता है कैसे हमने कार्य किया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि तीन चार लोग जो पीछे खड़े हैं कुत्ते के साथ, वो उस व्यक्ति की आत्मा को लेके जा रहे हैं और उसका शरीर वहीं पे पड़ा है, इसका शरीर वहीं पे पड़ा है, इसीलिए वो शरीर अभी हिलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा वो, पर वो व्यक्ति चले गया, उसको और एक जन्म मिलेगा। कैसे कैसे जन्म मिलेगा, कैसे उसने कार्य किए उसके हिसाब से उसको जन्म मिलेगा। अच्छे कार्य किए रहेंगे अच्छा जन्म मिलेगा, और अगर उसने भक्ति की होगी कृष्ण की तो वैकुंठ पधारेगा। बहुत पाप किए हैं दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन, बहुत सारे पॉलिटिशियन, उनको नरक जाना पड़ेगा उधर भुगतने के लिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसे तो ऐसे भी कई उदाहरण देखे हैं जहां पे ऐसे पता चला है कि उसको NDE बोलते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब मृत्यु को पास से अनुभव करना, ऐसे कई बार हुआ है। ये डॉक्यूमेंट किया है डॉक्टर लोगों ने, डॉक्यूमेंट किया है कि कोई पेशेंट का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है और वो कोमा में जाता है, कोमा मतलब उसमें बिल्कुल कॉन्शियसनेस नहीं है, अनकॉन्शियस स्टेट है, बिल्कुल भी उसको कुछ चेतन नहीं है, हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, सिर्फ उसके जो श्वासोश्वास है, ब्रीदिंग है, वो चल रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो उस स्टेट में क्या होता है, कभी कभी उसका जो आत्मा है इस व्यक्ति का, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहां पे देख रहे हो, ये जो आत्मा है उसी रूम में भटक रहा है, ऐसा होता है कई बार। वो जो पेशेंट है वो 2-3 दिनों के बाद वापस जिंदा होता है, तब वो बताता है डॉक्टर्स को कि आप ये लोग डॉक्टर थे, 3-4 डॉक्टर थे, आप लोग ये बोल रहे थे, ये आपने किया मेरे साथ, सब कुछ बताता है। कैसे पता उसको, वो तो कोमा में है, बिल्कुल उसको होश भी नहीं, पर उसका मतलब क्या है कि वो जो आत्मा है वहां पे भटक रही है और वो वापस उसी शरीर में चली जाती है। तो ऐसा नहीं कि कहीं एक विरला कहीं तो ऐसा हुआ है, नहीं, अमेरिका में पाया गया कि 11-14% लोग, 11-14% पीपल एक्चुअली गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के थ्रू जाते हैं। इसका मतलब क्या कि ये सत्य घटना है, ये सही है ना, और शास्त्रों ने, साइंटिस्ट ने प्रूव किया। जो साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, वो उसकी तरफ ज्यादा देखते नहीं है, बट वो जो मानते हैं और जो साइंटिफिकल प्रूव कर सकते हैं, उन्होंने प्रूव करके दिखाया। ऐसे तो न जायते मृियते वा कदाचित नायम भूतवा भविता न भूय अजो नित्यो शाश्वतों में पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। ऐसे आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ये ज्ञान बहुत जरूरी है। बाकी आपको और कुछ पता ना हो ना हो, ये बहुत जानना जरूरी है कि इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब हमारा कभी मृत्यु होता ही नहीं है। किसका मृत्यु होता है, शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता। नैनम चिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन्यम क्लियते दन्तापो न शोषति मारुतः। इस आत्मा को पानी से आप गीला नहीं कर सकते, आग से आप उसको जला नहीं सकते, हवा से उसको सूखा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। जैसे इस भौतिक जगत में हम चीजें जो होती हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। आप न्यूक्लियर वेपन यूज करो, कोई भी वेपन यूज करो, गोली मारो, कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो मटेरियल नहीं है, पदार्थ से नहीं बना वो, है ना। इसीलिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। इसका मतलब हम कभी मरते ही नहीं, हमारा सिर्फ शरीर मरता है और हम अगले शरीर में पदार्पण करते हैं, अगले शरीर में प्रवेश करते हैं। वो कैसे मिलता है, हमारे शरीर के, हमारे इस जीवन के कामों के ऊपर, कार्यों के ऊपर वो निर्भर होता है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है जिससे हमें अपने जीवन में तसल्ली मिल सकती है कि कभी मैं मरने वाला हूं, इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर हम मरेंगे तो भी और एक जीवन मिलेगा, तो वो जीवन जियेंगे हम। ऐसे जैसे हम लोग रोज कपड़े बदलते हैं नहाने के पहले और दूसरे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही जो आत्मा है कपड़े बदलती है, मतलब शरीर बदलती है। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देही। आत्मा नए नए देह लेता है, क्यों नए लेता है, वो शरीर पुराना हो गया, उस शरीर का जो टाइम था वो खत्म हो गया, इसलिए वो नए नए शरीर लेता है। इयान स्टीवेंसन करके एक मनोचिकित्सक हैं, प्रोफेसर हैं वो, यूएस के थे, अभी नहीं है। उन्होंने कई सारे लोगों का स्टडी किया और उन्होंने ये जाना कि कई केसेस में पुनर्जन्म होता है। वैसे तो हमारा सबका ही पुनर्जन्म होता है, बट पर ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे
पुनर्जन्म के केस में उसको पिछले जन्मों का याद आता है। इस केस में आप देख रहे हैं ये लड़की जो है इसको पिछले जन्मों का याद था कि मेरा पति कहाँ रहता है, मेरे ससुराल वाले कहाँ रहते हैं, और उसको एक लड़की है तो वो लड़की का नाम क्या है, सब कुछ ये जानती है। और उन्होंने इसको ऐसा नहीं कि कुछ तो झूठ मूठ चल रहा है, उन्होंने ऐसे 5000 केसेस को स्टडी किया और उसके उसमें से कई सारे केसेस को खारिज कर दिया और जो बचे थे अच्छे थे मतलब सही में केसेस थे उनको डॉक्यूमेंट कर दिया। वहां पे जाके गांव में जाके उनसे बात करके और फिर सब कुछ वेरीफाई करके, तो इसको बोलते हैं पास्ट लाइफ मेमोरीज, पिछले जन्मों का याद रहना। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं तो इससे हम समझ सकते हैं कि, और ऐसे इसके लिए बहुत सारे बुक्स भी लिखी गई, किताबें लिखी गई हैं जिनको अपने पिछले जन्मों का याद है। देखिए उन्होंने किताब लिखी है चिल्ड्रन हु रिमेंबर प्रीवियस लाइफ्स, इयान स्टीवेंसन एमडी। ये ऐसा कोई अंधश्रद्धा की चीज नहीं है, ये मूल स्वरूप में हो रही है। देखो एक लड़की यहाँ पे लिख रही है आई हैव लिव्ड बिफोर, ऐसे कई सारे किताब लिखे हैं जो हमें भी नया शरीर मिलता है पर हमें याद नहीं होता ऐसे। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा शरीर जो है नश्वर है पर हम नश्वर नहीं है, हम और एक जीवन लेते हैं। और एक होता है प्रूफ की फोबिया करते हैं बोलते हैं उसको, कुछ कुछ बच्चों को पानी का डर लगता है, कुछ कुछ बच्चों को अंधेरे का डर लगता है, कुछ कुछ बच्चों को हाइट का डर लगता है, चाकू का डर लगता है, कोई भी शस्त्र का डर लगता है। वो कहाँ से आ रहा है, पिछले जन्मों से, पिछले जन्मों में कुछ तो हुआ है उस बच्चे के साथ इसलिए उसको ऐसा डर लग रहा है, तो ये उसको बोलते हैं फोबिया। और बचपन से है वो, ऐसा नहीं कि इसी जीवन में कुछ हुआ है, तो चाकू का डर लगता है, बंदूक का डर लगता है। जो ट्विंस होते हैं उनके भी दिखने में एक जैसे दिखते हैं बट होते हैं अलग अलग है, सीता गीता राम और श्याम अलग अलग होते हैं टोटली, भले ही एक से दिखते हैं। अगर वो आत्मा नहीं होते सिर्फ शरीर से बने हैं तो सब कुछ ए टू जेड सेम होना चाहिए, अलग अलग क्यों है, क्योंकि वो अलग अलग आत्मा है और उनका शरीर जो मिला है उनको अपने कर्मों से मिला है इसलिए टोटली डिफरेंट है। हमने इसके बारे में चर्चा की अभी, तो ये मैंने केस बताया था आपको शुक्ला का, और ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनको शरीर मिलता है और पिछले जन्म को याद है। तो अभी आत्मा के बारे में क्या क्या देखते हैं, नैनम छिंदति शस्त्राणी, कोई शस्त्र उसको मार नहीं सकता है, नैनम दहति पावक, अग्नि जला नहीं सकता है, न चैन्यम क्लेदंत्यापि, जल से उसको भिगो नहीं दे सकता, वायु उसका उसको सुखा नहीं सकती है, अच्छेद्योयम अयोध्यम, टूटता नहीं है ये ना, ये टूटता नहीं है, जैसे शरीर टूटता है कुछ भी चीज टूटती है वैसे टूटता नहीं है, अक्लेद्य शोषमेव च, घुलता नहीं है किसी में, पानी में घुलता नहीं है और किसी की चीजों में घुलता नहीं है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी मतलब क्या, सब जगह है आत्मा, सारी चीजों में। आप देखेंगे कहीं के जाएंगे आप तो जो पहाड़ होता है पहाड़ के पत्थरों के अंदर से भी कोई कोई छोटे छोटे पौधा आ रहे, अब पत्थरों के अंदर कहां से आ गए पौधा, वहां पे भी आत्मा है और सब जगह है आत्मा, ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां पे आत्मा नहीं है। अचलोयम सनातन, अचल है वो, सनातन टाइम के लिए रहता है, अव्यक्त है, अकल्पनीय है, उसको कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसका जो साइज है इतना छोटा है कि हमारा जो बाल का जो ऊपरी वाला पार्ट होता है उस पार्ट को अगर 10,000 पार्ट में बांटोगे तो एक पार्ट मतलब आत्मा का साइज होता है, इतना छोटा है तो उसको कोई देख नहीं पाएगा, माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं पाएंगे, इतना छोटा है। अपरिवर्तनीय मतलब वो बदलता नहीं है, तो ये आत्मा का स्वरूप है। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक जगत से हम उसको लेके आए हैं और हम आए हैं, इसीलिए इस भौतिक जगत में उस आत्मा का कुछ एक्चुअल दिखाई तो काम नहीं है ऐसे। तो ये था आत्मा के बारे में, हमारे आइडेंटिटी के बारे में। तो ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है भगवद गीता में, इसके ऊपर कम से कम 20 श्लोक दिए भगवान ने दूसरे अध्याय में, यही बताने के लिए कि हम हैं कौन एक्चुअली। अगर हम ये शरीर होते तो फिर मृत शरीर और जिंदा शरीर में फर्क होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। हम अगर साइंटिस्ट को बोले कि मृत शरीर लो और उसके ऊपर केमिकल डालो, जो करना है करो, उसको जिंदा करके दिखाओ, नहीं कर पाए, एक तो चीज है। दूसरा चीज, साइंटिस्ट लोग अभी तक कोई भी प्राणी को पैदा नहीं कर पाए मैटर से, वो बोलते हैं कि मैटर से हम सब कुछ बना सकते हैं, पदार्थ से हम सब कुछ बना सकते हैं, पर वो नहीं कर पाए तक, एक भी ऐसा जीव नहीं बना पाए हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं वो एक बकरा था,
मेंढी थी जो वो भी था शीप, उसको बनाया उन्होंने नहीं, बट वो भी क्या किया उन्होंने सेल्स को लिया, डीएनए को लिया और उसके हिसाब से बनाया, एक बकरी को लिया, एक शीप को लिया और उसके उसके थ्रू बनाया, डायरेक्टली पदार्थ से नहीं बनाया, मैटर से नहीं बनाया। तो ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। तो ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि अगले जीवन में भी हमें जो शरीर मिलने वाला है इस जीवन के कार्यों के अनुसार मिलने वाला है। तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, हमने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, इसलिए हमें पाप कम से कम जीरो करना है, जीरो करना है या कम से कम करना है, ताकि हमें अगले जन्म में उसको भगतना पड़े। जो लोगों को कोर्ट कचहरी करना पड़ता है, उनको व्याधियां होती हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, या पैसों का प्रॉब्लम होता है, या दिखने में सुंदर नहीं होते हैं, या एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोगों का पिछले जन्मों का कर्म खराब है, ऐसे समझना चाहिए। जो बहुत सुंदर हैं, बहुत बहुत अमीर खानदान में हैं, मतलब एजुकेटेड भी हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ अच्छा कर्म किया है, पुण्य किया है, जैसे नरेंद्र मोदी हो गए या मुकेश अंबानी हो गए या जो बाइडन हो गए, ट्रंप हो गए, उन्होंने बहुत सारे पुण्य किया इसलिए वो इतना फेमस हो पाए हैं। तो ये हमने जानना चाहिए। ओके, अभी दूसरे सेक्शन में, तीसरे सेक्शन में हम चलते हैं। तीसरे सेक्शन में भगवान बता रहे हैं कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। अभी तो भगवान ने उनको, अर्जुन को आत्मा के बारे में बताया ताकि वो समझ सके कि भाई तुम परमानेंट हो, तुम ये टेम्पररी चीजों के पीछे मत पड़ो, ये बताने के लिए उन्होंने बताया। अभी बता रहे हैं कि तुम्हारी ड्यूटी कितनी महत्वपूर्ण है, तुम ये ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हें पाप मिलेगा। तो यहां पे इसलिए टी मतलब टू ड्यूटीज, कौन सा ड्यूटी है, सनातन धर्म और भौतिक धर्म। हमें अभी शरीर मिला है तो शरीर की ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई माँ है, माँ को अपने घर घर का संभालना पड़ेगा, बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ेगा, पति के लिए खाना बनाना पड़ेगा, घर को संभालना पड़ेगा, तो ये ड्यूटी तो करनी ही है। पर उसके साथ साथ ये तो शरीर की ड्यूटी हो गई, उसके साथ साथ ये आत्मा की भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं करेंगे तो अगले जन्म में हमें नहीं करेंगे तो हम अपने मूल स्थान में आ नहीं पाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और कंडीशन ड्यूटी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या, स्वाभाविक कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि आत्मा के लिए हम कुछ करें ताकि हम ये कष्ट कम कर सकें। जो व्यक्ति आत्मा के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करता है, भगवान का कुछ नहीं करता है, उसको कष्ट ज्यादा होते हैं, और जो आत्मा के लिए काफी कुछ करता है उसको कष्ट कम हो सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के, जैसे कोई अभी गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट में अगर जो व्यक्ति सारे रूल्स फॉलो करता है उस व्यक्ति को कम से कम तकलीफ होती है, और जो व्यक्ति रूल्स फॉलो नहीं करता है, करप्शन करता है, गड़बड़ करता है, घोटाला करता है, उसको कष्ट ज्यादा होता है। वैसे ही जो व्यक्ति सनातन धर्म और भौतिक धर्म दोनों करता है, स्वाभाविक कर्तव्य, शारीरिक कर्तव्य दोनों करता है, अच्छे से करता है, उसको कम से कम कष्ट होंगे, क्योंकि भगवान उसको कष्ट होने नहीं देते। ऐसे तो अभी हम देखेंगे आगे। तो हर जीव का कर्तव्य क्या होता है, हर जीव के दो स्पेशलिटी होते हैं। आप कहीं भी देखो क्या करता है वो, एक तो किसी न किसी की सेवा करता है। यहाँ पे भाई शॉपकीपर सेवा कर रहा है, ऑब्वियसली उसको पैसे भी मिल रहा है। ये जो व्यक्ति है ये कुत्ते को लेके जा रही है, और यहाँ पे माँ है वो बच्चे को की सेवा कर रही है। तो हर कोई व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करता है। आप अपने फैमिली की सेवा नहीं करोगे तो कुत्तों की करोगे या बिल्ली की करोगे, किसी का ना किसी की तो सेवा करता है। और ऐसा भी कोई व्यक्ति रहेगा तो जो किसी की भी सेवा नहीं करता है तो वो खुद के शरीर की सेवा करता है, पर सेवा जरूर करता है। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है ना, तो वैसे ही हर जीव का एक कर्तव्य होता है, वो करता है। और दूसरा चीज होता है, दूसरा चीज कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेम करता है, हमारे फैमिली मेंबर से, बच्चों से, बीवी से प्रेम करते हुए, है ना, ये भी दूसरा धर्म है वो व्यक्ति का। तो ये जो मूल दो धर्म है ये आत्मा के धर्म है, मूल आत्मा के धर्म है, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में जब थे तब भगवान की सेवा और भगवान का प्रेम, भगवान को प्रेम दोनों करते थे, इसीलिए यही गुण हम में आए हैं। पर अभी क्या हो रहा है, अभी हम इस दुनिया के लोगों की सेवा और प्रेम करने का प्रयत्न कर रहे हैं,
पर इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ यह है कि ये सब कुछ टेम्पररी है। जैसे कोई माता है, आप बच्चों के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं, पर इस जीवन के बाद क्या होगा, वो जो भी सेवा किया उसका खत्म, उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। इस सिर्फ इस शरीर तक ही वो, इस जीवन तक ही वो लिमिटेड था, करेक्ट। एक कोई पिता है अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, सेम। एक कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ के लिए कर रहा है, सेम है। इस जीवन के बाद हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो वो सेवा गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सेवा करना छोड़ दें। ये जान लें कि भगवान की सेवा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर वालों की सेवा तो करना ही है, उसमें कोई दोहराए नहीं, वो तो हमारी ड्यूटी है। जैसे मैंने बोला, सनातन धर्म और भौतिक धर्म दोनों जरूरी है, पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ भौतिक धर्म में फंस जाते हैं, भौतिक कर्तव्य में फंस जाते हैं। स्वाभाविक कर्तव्य और हमारा जो आध्यात्मिक कर्तव्य उसको भूल जाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है। आप सोचिए, जो माँ अपने बेटे के लिए बेटी के लिए इतना मरमरती है, और वही माँ जब बच्चे चले जाते हैं कहीं और, तो अकेले रहती है या पति के साथ रहती है ना? और जब जीवन खत्म हो जाता है तो उसको और एक अगला शरीर मिलता है, पर जो भी उसने सेवा की उसको कुछ फायदा नहीं उसको। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों सेवा महत्वपूर्ण है, पर सबसे महत्वपूर्ण है सनातन धर्म, सनातन सेवा, भगवान की सेवा, क्योंकि वो हमारे इटर्नल माता पिता है, हमारे इटर्नल माता पिता है, इसलिए उनकी सेवा करना बहुत बहुत जरूरी है। दोनों सेवा करते करते हमें उसको हासिल करना है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो भगवान की हम सेवा करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, जहां पे कोई दुख है ही नहीं, शाश्वत धाम है वो। वहां पे प्रेम और सेवा का हम मूल स्वरूप में जहां पे थे वही हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए कि हम भगवत धाम जाने का प्रयत्न करें। कैसे? सनातन सेवा करके, भगवान की सेवा करके, और साथ साथ अपनी फैमिली मेंबर्स की सेवा करते रहो, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसे जैसे अगर कोई, जैसे मूवीज में दिखाते हैं है ना, कि भाई कोई व्यक्ति होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट के कारण वो पिछला सब कुछ भूल जाता है। क्या करता है वो? भूल जाता है, वो जाता है, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, ऐसे करता है वो। वैसे ही हम आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आए हैं और भगवान को भूल गए, बोलते कौन कृष्णा, कौन कृष्णा, मैं नहीं जानता किसी को कृष्णा को, क्योंकि हम भूल गए। तो भगवद गीता हमें याद दिलाता है कि कृष्ण तुम्हारे ओरिजिनल माता पिता हैं, और उनकी सेवा करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम जो जप करते हैं, जो भगवद गीता पढ़ते हैं, ये हमारे आध्यात्मिक चीज करने के कारण हमारा जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो वापिस लाती है कि हम कौन है एक्चुअल में और भगवान कौन है। तो ये उसका प्रोसेस है। तो कोई अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कोई पति या पत्नी सेंट्रिक होते हैं, कोई परिवार केंद्रित होते हैं, कोई धन केंद्रित होते हैं, कोई काम के केंद्रित होते हैं, संपत्ति केंद्रित, भोग विलास केंद्रित, मित्र शत्रु केंद्रित, ऐसे श्वान केंद्रित, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। पर हमें क्या होना है, भगवान सेंट्रिक होना है, भगवान केंद्रित होना है, उससे हमें लाभ होगा, बाकी कोई चीजों से लाभ नहीं होगा। ठीक है, भौतिक स्वधर्म का पालन करेंगे तो भौतिक सुख मिलेगा, पर वो टेम्पररी है, उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। पर जो आध्यात्मिक कर्तव्य करेंगे तो उससे हमें टोटल लाभ मिलेगा। मेरा आवाज ठीक से आ रहा? यस प्रभु जी। मुझे ऐसा लगा कि मेरा बैंडविड्थ कम हो गया, पैसे बनने लगा। तो यहाँ पे अभी अर्जुन क्या बता रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं कि देखो भाई, मैं इनको मार नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पांच कारण हैं। उसमें से एक कारण उन्होंने बताया था कि इनको मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, तुम अपने भौतिक कर्मों का पालन नहीं करोगे तो पाप लगेगा। ये कृष्ण मन को बता रहे हैं, क्योंकि युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है, और वो तुम नहीं करोगे तो तुम्हें लोग बोलेंगे भगोड़ा है वो, बिल्कुल वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए कृष्ण यहाँ पे इस सेक्शन में बता रहे हैं कि कर्म कितना महत्वपूर्ण है। तो अभी जो सेक्शन है 31 से 37 तक, ये कर्म कांड के ऊपर है। इसका मतलब है कि कर्म करना जरूरी है। यहाँ पे भगवान
बहुत बता रहे हैं कि कर्म कितना जरूरी है, है ना। अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अपना कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें लोग भगोड़े कहेंगे, तुम अगर कर्म करोगे, युद्ध करोगे और हार जाओगे या मर जाओगे तो स्वर्ग पहुंच जाओगे क्योंकि ये धर्म युद्ध है, और तुम जीत जाओगे तो तुम्हें यह राज्य मिलेगा, तो तुम सुख का अनुभव कर सकते हो। तो दोनों साइड से तुम्हें लाभ है, विन विन सिचुएशन है। हाँ, इसीलिए और कृष्ण बता रहे उसको कि जो आततायी होता है, आततायी मतलब जो व्यक्ति किसी और के ऊपर छह प्रकार की चीजें करते हैं, आग लगाता है, उसकी बीवी को किडनैप करता है, उसको मारने का प्रयत्न करता है, उसको जलाने का प्रयत्न करता है, ऐसे छह चीजें होती, ऐसे व्यक्ति को मार सकते हो आप, है ना। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि आप उसको, आपको मारना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे सुधर्मापिचावेक्षण विकम्पुतम अर्हसी धर्मोन्य क्षत्रिय विद्यते, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर तुम युद्ध करोगे और जीत जाओगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, हार जाओगे मर जाओगे तो तुम स्वर्ग को जा सकते हो। ऐसे तो अब ये पांच कारणों का भगवान उत्तर दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। युद्ध नहीं करूंगा क्यों, क्योंकि सारे मित्र हैं, बांधव हैं। भगवान बता रहे भाई तुम ठीक है पर वो शरीर नहीं है, आत्मा है, शरीर और आत्मा अलग है, तुम शरीर को मार रहे हो, आत्मा को नहीं मार रहे हो, आत्मा को मार ही नहीं सकते हैं। दूसरा कारण दे रहे हैं कि भाई उजयी होंगे तो पर मैं आनंद नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे स्वजन मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि विजयी हो गए तो राज्य मिलेगा, नहीं हो गए स्वर्ग मिलेगा, दोनों साइड से तुमको फायदा है। तीसरा कारण पाप कर्म लगेंगे, भगवान बता रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म ही है, क्षत्रिय का धर्म नहीं निभाओगे तो पाप लगेगा, उल्टा पाप लगेगा। पांचवा कारण बता रहे हैं, चौथा कारण बता रहे हैं पारर्विक वंशावली बंद हो जाएगी, हम अगले सेक्शन में देखेंगे। और लास्ट वाला मैं कंफ्यूज हो गया ऐसे। तभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि दोनों साइड से तुम्हें लाभ ही लाभ है अगर तुम ड्यूटी करोगे। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान इस सेक्शन में बता रहे हैं कि तुम्हें ड्यूटी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे बता रहे। कैसी ड्यूटी करनी है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभाव जया जो तथो युद्धा युद्धस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। चिंता मत करो सुख मिले या दुख मिले, लाभ मिले या लाभ ना मिले, ड्यूटी करते रहो। और ये आगे भी जाके 2.47 में बताएंगे भगवान कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फले चुकतांजना मा कर्म फल हेतुर्भु माते कम्ब कर्मस्य संदन। इसका मतलब है कि तुम अपने कर्तव्य करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, फल मिले ना मिले कर्तव्य को करते जाना। अभी ये कर्मकांड का सेक्शन हो गया। तो हमने पहले देखा कि अर्जुन पहले 10 श्लोक में अपना मनोगत बोल रहे हैं कृष्ण को कि मैं लड़ नहीं कर सकता हूं। उसके बाद भगवान लगभग 20 श्लोकों में बता रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इसीलिए तुमको मारने में कोई हर्ज नहीं करना चाहिए। तो आत्मा के ज्ञान दे के अर्जुन को समझा रहे हैं। उसके बाद 2.31 से 38 तक 7-8 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है करना, तुम्हारी ड्यूटी ये करना ही, उसको तुम भाग नहीं सकते हो, ये हो गया। अभी उसको बुद्धि योग, सांख्य योग या भक्ति योग के द्वारा बता रहे हैं। बुद्धि योग मतलब ज्ञान के साथ कोई काम करना, कि पता होना चाहिए कि मैं कौन जो कार्य कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है, ज्ञान के साथ पूरा। इसलिए आप बता रहे हैं एषा ते विपिता सांख्य बुद्धि योग तिमं सुनो बुद्धि युक्तो या पार्थ कर्म बंधन प्रासहि। जब हमें ज्ञान होता है कि अभी हमने जैसे ज्ञान दे कि मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण होते हैं, मेरा उनके साथ नाता है, और क्या नाता है, और मैं उनकी सेवा करने के लिए, मैं उनको प्रेम करने के लिए हूं, ये सब जब ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से अगर कोई कर्म करता है तो उसको निष्काम कर्मयोग बोलते हैं। ऐसे निष्काम कर्मयोग से हमें मुक्ति मिल सकती है। सकाम कर्मयोग करेंगे या कर्मकांड करेंगे जिसमें हम अटैच हो जाएंगे, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान यहाँ पे भक्ति के बारे में बता रहे हैं, बुद्धि योग या भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि मेरी तुम आप उपासना करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बता रहे। देखो कम थोड़ा भी करोगे तो क्या मिलेगा, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य प्रायतु महति पार। थोड़ा भी तुम सेवा करोगे तुमको लाभ बहुत सारा मिलेगा। जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, 1,000 रुपए डालेंगे तो कहीं 1,500 भी मिलते। भगवान बता रहे तुम 1 रुपए डालो और मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। थोड़ी सी सेवा करो, एक बार भगवद गीता पढ़ लो, रोज एक माला करो मेरी, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो रोज एक बार, उससे बहुत लाभ होगा। कैसे लाभ होगा, त्रायते महतो भया, त्रायते महतो भया मतलब कि अगर हम भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, भगवान की उपासना नहीं करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलेंगे तो क्या होगा,
अगले जन्म में हमें ऐसा जन्म मिलेगा कि जो कठिन होगा, वो बाघ का, सिंह का, या मगरमच्छ का, हाथी का, कोई भी जन्म मिल सकता है और वो बहुत कठिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस जो भी जीवन मिलेगा मनुष्य का छोड़ के, उसमें हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। कोई प्राणी लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सबसे डेंजरस सिचुएशन क्या है कि अगर कोई प्राणी बन जाए उसका बहुत बहुत मुश्किल होता है। ओके, स्मिता माता जी पूछ रहे हैं कि कैन यू एक्सप्लेन मोर ऑन ज्ञान एंड बुद्धि, एनी डिफरेंस? यस, तो बुद्धि योग मतलब भगवान एक्चुअली कई जगह बोलते हैं कि बुद्धि योग करो तुम, तेषां तु अंतर्गतं पापं, नहीं तो कौन सा था, दसवें अध्याय में भगवान बता रहे हैं तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दधामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति। ज्ञान मतलब थियोरेटिकल ज्ञान होता है कि मुझे पता है, पर बुद्धि मतलब क्या, बुद्धि योग जब बोल रहे हैं भगवान तो भक्ति योग के बारे में बोल रहे हैं या सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं। जो ज्ञान योग होता है उसमें लोग क्या करते हैं, सिर्फ ज्ञान लेते हैं पर कुछ करते नहीं है। वो ज्ञान लेते हैं कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जो सारा जो भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज ऑल टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी है ये, और भगवान का धाम है अलग से और भगवान होते हैं। तो ये ज्ञान सिर्फ लेता है पर कुछ करता नहीं, करता नहीं मतलब जो भगवान ने बताया है, भगवान कृष्ण भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में 18वें अध्याय में, मन मना भो मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, कि मेरा तुम्हारा मन मुझ में लगाओ, मेरी उपासना करो। कैसे उपासना करो, पुत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ता प्रायश्चित, मुझे फूल अर्पण करो, मुझे पत्र अर्पण करो, मुझे पानी अर्पण करो, है ना। या बोलते हैं कि सततम कीर्तयन्तु माम, मेरी हमेशा मेरा नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सतत करते रहो तो क्या होगा, तुम मुझे पाओगे। तो ये हो गया बुद्धि योग, सांख्य योग या भक्ति योग। और ज्ञान योग मतलब क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, जैसे बोला ना कृष्ण ने, ये मैं आत्मा हूं ना, मैं शरीर नहीं हूं ना, ये सब नश्वर है ना, सब ज्ञान मिल गया पर कुछ किया कुछ नहीं, तो उसको बोलते ज्ञानी। भगवान बोलते हैं कि चार प्रकार के लोग उनके पास आते हैं, चतुर्विधा भजन्ति माम जन सुकृत अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ, उसमें ज्ञानी कैटेगरी पे आता है। तो वो ज्ञानी कैटेगरी में क्या करता है व्यक्ति, सिर्फ ज्ञान उपशम करता है और आगे गाड़ी उसकी नहीं बढ़ती है। बट भगवान इस श्लोक में जो ज्ञान बता रहे, ज्ञानी बता रहे हैं अभी जो बता रहे हैं वो ये कैटेगरी है, बट मैं जो श्लोक बता रहा था उसमें वो अलग कैटेगरी, उसमें क्या है, ज्ञान मिश्रित भक्त है। मतलब क्या, उसको ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता है पर भक्ति भी कर रहा है वो, तो वो वाला ज्ञानी है। तो अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, पर जो मूल स्वरूप में ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, सिर्फ ज्ञान अर्जित करता है और उसको बोला कि जरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, नहीं 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 वो हमसे नहीं होगा, जरा भगवान को आरती करो, अरे नहीं नहीं वो आरती वरती नहीं कर पाएंगे, भगवान को भोग चढ़ा, नहीं 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 भोग नहीं चढ़ा पाएंगे, वो नहीं करता है, वो ज्ञानी कैटेगरी। ठीक है माता जी, यस इंटेलेक्चुअल, यस ओके। तो नेहा विक्रमणा चुष्टि मतलब क्या, छोटे समय के लिए हम अगर भक्ति करेंगे बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। तो उसके कई सारे उदाहरण है, अभी हमारे पास समय नहीं है तो सब जाएंगे नहीं। और भक्ति का और एक विश्लेषण क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना बहुशाखा मंतश्च बुद्धे व्यवसाय, मतलब जो भक्त होता है वो व्यवसायित्व होता है, एक केंद्रित होता है, उसके जीवन का लक्ष्य यही कि हमें भगवान के धाम जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का प्रेम उत्पन्न करना, ये लक्ष्य, ये हो गया व्यवसायत्मिका बुद्धि। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, अब बिजनेसमैन का लक्ष्य ये थी रोज में कैसे नए नए तरीके से पैसे कमाऊं, ये उसका मूड ही ऐसा होता है। वैसे ही भक्त का मूड होता है कि मैं कैसे रोज भक्ति करूं भगवान की जिससे भगवान प्रसन्न हो। अब इस पिक्चर में देखा हो कि व्यक्ति के पैर नहीं है पर उसने व्यवसायत्मक बुद्धि लगा के वो दौड़ रहा है व्यक्ति, है ना। वैसे ही जो भक्त होता है वो केंद्रित होता है कि मुझे भक्ति करनी है भगवान की और कुछ नहीं करना है मुझे। और वेदों में बहुत कुछ दिया गया है, कुछ कुछ लोग सिर्फ वेदों को पढ़ने का प्रयत्न करता है, नहीं समझ पाता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि वेदों को समझना है तो गुरु से समझना पड़ेगा और उसको ट्राइपॉड बोलते हैं, गुरु साधु शास्त्र। गुरु ने आपको बताना चाहिए कि वेदों में क्या लिखा है, वही वेदों में होना चाहिए, और साधु जो लोग होते हैं बाकी आचार्य होते हैं उन्होंने भी बताना चाहिए कि ये शास्त्रों में जो लिखा है गुरु जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर तीनों मैच नहीं करते हैं
तीनों में कहीं तो गड़बड़ है, इसीलिए तीनों बहुत जरूरी है, गुरु साधु शास्त्र ऐसे। तो वेदों में बहुत कुछ बताया गया है कि तुम सत्यनारायण पूजा करो, गणपति पूजा करो, ये करो वो करो। वो क्यों बताया है? वो ऐसे लोगों के लिए बताया है कि जो भक्ति नहीं कर पाएंगे, कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों के लिए बताया है। तो वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि लगभग 70-80% वेदों में यही बताया है कि तुम ये कांड करो वो कांड करो। पर वो किसके लिए है? जिनके अभी तक बुद्धि कर्मकांड लेवल पे है, जो भक्ति नहीं करना चाहते। तो जो बचा कुचा 10% है, जो लास्ट में आता है, जो उपनिषदों में है, भागवतम में है, उसमें बताया गया कि तुम भगवान की भक्ति करो, उसी में तुम्हारा भला है, और कुछ फायदा नहीं तुम्हारे। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे हमारा भक्ति थम सकती है। कौन सी है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पर चेतनाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाध निविधि। भोग करने की जो इच्छा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अगर हम अटैच्ड हैं कि नहीं मुझे भोग करना है, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, मुझे अपीलेंस चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, ऐसी चीजों से हम भक्ति में बाधा हो सकती है। जैसे कुंती महारानी ने बोलती है भागवतम में, जन्म ईश्वर श्रुति शबीर एदमान मद पुमान नैव हर अति धातु वा त्वाम अकिंचन गोचर। जन्म ऐश्वर्य और श्रुति, हाँ श्री, ये चार चीजें हमारे भक्ति के लिए बाधक हो सकती है। जन्म मतलब हाई बर्थ, रॉयल फैमिली में बर्थ। ऐश्वर्य मतलब बहुत कुछ पैसा वैसा है। श्री मतलब ऑपुलेंस, और शुभी मतलब कि सुंदर दिखना। तो सुंदर दिखना, बहुत पैसा होना, अच्छी फैमिली में, खानदान में होना, अच्छे ऑपुलेंस रहना, ये सारी चीजें हमारे भक्ति के लिए बाधक हो सकती है। जरूरी नहीं कि होंगी, पर हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति मदमत हो जाता है, तो इससे हमें बचना है। तो ये वाला बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। लोग बोलते हैं कि हाँ भाई कुछ और भगवदगीता में बोला नहीं, बोला कि सिर्फ कर्म करते रहो। तो ऐसा अगर होता तो ओसामा बिन लादेन भी तो कर्म कर रहा था, दाऊद भी कर्म कर रहे हैं, टेररिस्ट भी कर्म कर रहे हैं, नक्सलिस्ट भी कर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसे वैलिड होता है? इसका कहने का मतलब है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा परम फल हेतुर्भु माते संगोस्ति कर्मणि। मतलब क्या है? कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। क्यों भाई फल की अपेक्षा क्यों मत करें? फल की अपेक्षा करोगे तो उससे अटैच हो जाओगे। फल की अपेक्षा करोगे तो लगेगा कि अरे मेरे कारण ही हुआ है, और अच्छा हुआ तो बोलोगे मेरे कारण हुआ, अच्छा नहीं हुआ बोलोगे भगवान को दोष दो। तो इसलिए भगवान बोलते कि फल की अपेक्षा मत करो, और खुद को भी अपने फलों का स्वामी मत समझो कि मेरे कारण हुआ है, ये मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है, इसके कारण हमारी प्रगति नहीं हो सकती ऐसे। तो हनुमान जी ने दिखाया था बहुत अच्छे से कि कैसे फल की अपेक्षा किए बिना हम सेवा कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में हमने सिर्फ अपने कर्म करने हैं, फल की अपेक्षा ज्यादा नहीं करनी। तो ये धीरे धीरे आएगा, अपने आप से नहीं आएगा। तो रोज हम भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, नामस्मरण करेंगे, तो धीरे धीरे ये गुण हमें आएगा ऐसे। तो अभी ये हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, सबको पता आपकी स्टोरी, तो भगवान की स्टोरी है ना। तो अभी लास्ट सेक्शन को हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम भगवान अभी वही सेक्शन को बता रहे हैं। तो अभी जो लास्ट सेक्शन है वो है शतप्रज्ञ आत्माराम। तो अब तक हमने चर्चा किया था कि गुरु कैसे होते हैं, कैसे चाहिए हमें, हम कौन हैं, और हमारे जो कर्म हैं वो कैसे होना चाहिए। तो हमने निष्काम कर्म करने चाहिए, दोनों प्रकार के कर्म करने हैं, सनातन कर्म आत्मा के लिए, जो कि हो गया भगवान की आज आराधना करना, भगवान का नाम लेना, भगवदगीता पढ़ना, ये सारे क्या हो गए? ये सारे आध्यात्मिक कार्य। और भौतिक कर्म तो हम जानते हैं, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, हम करते ही रोज, दोनों करना जरूरी है। तो उसको बोलते हैं टू ड्यूटीज, ये करेंगे तो हम शरीर सही रास्ते में जा रहा है। अब ऐसा करते 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 कोई व्यक्ति ऐसी स्टेज में आएगा जहां पे उसको आत्माराम बोला जा सकता है। मतलब क्या? आत्मसंतुष्ट है वो। अभी क्या हो गया, हम लोग बाहरी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं। अरे ये मूवी देखते हैं तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये इंडिया जीतेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे मन के जैसा हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरा बेटा IIT में जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे बेटे की शादी या बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा। हम बाहर ढूंढ रहे हैं खुशियां, पर आत्मसंतुष्ट व्यक्ति, आत्माराम व्यक्ति कहां देखता है खुशियां? अंदर देखता है। इसका मतलब है कि वो जो साधना कर रहा है भगवान की, उस साधना में ही उसको खुशी मिल रही है, वो बाहर खुशी नहीं ढूंढ रहा है। क्योंकि ये जो खुशियां हैं जो हम ढूंढ रहे हैं बाहर, टेम्पररी है,
और वो खुशियां मिलेंगी इसका गारंटी नहीं है, इसका गारंटी नहीं है। तो ऐसी खुशियों के पीछे हम क्यों दौड़ रहे हैं जहां पे हमें गारंटी नहीं है और वो टेम्पररी है। इससे अच्छा हम अंदर ढूंढें जो परमानेंट है और गारंटी है कि वो खुश मिली वाली, उसको बोलते हैं आत्माराम। तो आत्माराम के गुण कैसे होते हैं, आत्माराम के गुण कैसे होते हैं? तो अर्जुन पूछ रहे हैं चित्तप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थव केशव। चित्तप्रज्ञ व्यक्ति जो है, आत्माराम व्यक्ति जो है, उसके गुण कैसे है भाई, वो कैसे चलता है, कैसे दौड़ता है, कैसे बैठता है, ये पूछ रहे हैं चार प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि उसके गुण कैसे होते हैं, वो कैसे, उसके जनरल गुण क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वो कैसे बोलता है, बोलता है मतलब क्या, जब उसको स्नेह मिलता है, घृणा मिलती है, प्रशंसा मिलती है, दोष करते हैं कोई, तब वो क्या करता है। तीसरा, वो कैसे बैठता है, बैठता है मतलब क्या, इंद्रिय भोगों की वस्तुओं के लिए वो कैसे अपने मन को नियंत्रित करता है, ये तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न है किस तरह से वो चलता है, इसका मतलब है कि वो भोग वस्तुओं से कैसे इंटरेक्ट करता है, वो हो गया चौथा प्रश्न, उसको हम विस्तार में देखेंगे। पहला है स्थिति प्रकृति के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण होते हैं कि दो प्रकार के, जैसे कोई व्यक्ति है अमीर व्यक्ति है, उस अमीर व्यक्ति के लक्षण क्या है, अमीर व्यक्ति के लक्षण है कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है वो, फिर उसका बहुत बड़ा बंगला होता है, अच्छे अच्छे कॉस्टली कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनता है वो, उसकी ये अमीर व्यक्ति के लक्षण। गरीब व्यक्ति के लक्षण क्या, फटे कपड़े होते हैं, एक झोपड़ी में रहता है, ऐसे। वैसे ही सामान्य लक्षण स्थिति प्रकृति के हैं दो हैं। पहला कि वो जो बोलता है वो सिर्फ भगवान के बारे में बोलता है, फालतू चीजों के बारे में बड़बड़ नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि आलिया भट्ट का कहाँ अफेयर चल रहा है, जो अलग अलग फिल्म एक्टर्स है उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि उसको उसमें बात करके कुछ फायदा नहीं है। पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता, गॉसिप नहीं करता है, सिर्फ भगवान के बारे में बात करता है, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है कि वो अपने इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है, मनोधर्म धार्मिक, मतलब मन में जो आया वैसे किया, वैसी वो एंजॉयमेंट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया, उदाहरण के तौर पर देता हूं, बेंगलोर में एक व्यक्ति है, आप कई लोगों के घर में कुत्ते होंगे, है ना, कोई अल्सेशियन कुत्ता होगा, कोई डॉगरमैन कुत्ता होगा, कोई ब्रिटिश कुत्ता होगा। इस व्यक्ति के घर में चार कुत्ते हैं, आप बोले उसमें क्या बात है, चार कहीं के पास 20-30 भी होते हैं, पर आप उसका कॉस्ट सुनेंगे तो आप कुर्सी से उछल पड़ोगे। इस व्यक्ति के हर कुत्ते का कीमत 10 करोड़ है, उसका शौक है बड़े 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 कुत्तों को लाना, ये अलग अलग ब्रीड के कुत्ते हैं, 10 करोड़ का कुत्ता है एक कुत्ता, और ये हर उनके बर्थडे अलग अलग होटल्स में मनाता है। तो ये क्या हो गया, एंजॉयमेंट इन अ डिफरेंट वे, मनोधारित है ये। अब वो कुत्ते को थोड़े ही कुछ बर्थडे वर्डे मनाना है, नहीं ना, अब कुत्ते को पालन करना ये कोई एंजॉयमेंट थोड़ी, पर ये उसमें एंजॉयमेंट देख रहा है। मेरी एक कलीग थी, वो पुणे से यूरोप जाती है हर 2-3 साल में, किस लिए, मैंने बोला किस लिए आती थी, बोलती है मैं साइकिलिंग करने आती हूँ, यहाँ यूरोप में 1 महीने के लिए साइकिलिंग करने जाती है। मैंने बोला तुझे कितना खर्चा आता है 1 महीने के लिए, नहीं 2 हफ्ते के लिए, तो बोलते 4-5 लाख रुपए खर्चा आता है। तो मैंने बोला कि 4-5 लाख रुपए खर्च करके तुम साइकिलिंग करने के लिए यूरोप जाती हो, ये कौन सा लॉजिक हो गया, तुम इससे अच्छा है कि वही 4-5 लाख रुपए बैंक में डाल दो या किसी गरीब को दे दो और यहीं पर साइकिलिंग कर लो इंडिया में। तो नहीं, वहां पर साइकिलिंग करने का मजा ही कुछ और। इसका मतलब क्या हो गया, ये मनोधर्मित है ना, मन में कुछ इच्छा है या मनोधर्मित है, ये कोई वैलिड एंजॉयमेंट नहीं है, अपने मन में कुछ आगे कर लिए, इसको बोलते हैं। जैसे कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, बंगी जंपिंग करते लोग ऊपर से, बहुत ऊपर से कूदते नीचे, अरे बोले क्या शुरू थी भाई, नहीं बंगी जंपिंग इसमें हमें बहुत रस आता है, बहुत अच्छा लगता है, कोई बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ते हैं, बोले पहाड़ चढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं नहीं बहुत रस आता है इसमें, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मनोधार्मिक एंजॉयमेंट को ये बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये कोई भी मनोधार्मिक एंजॉयमेंट नहीं करता है, उसका त्याग करता है। उसके त्याग करना है मतलब कि भगवान से कनेक्ट करना है, भगवान की सेवा करना, तो ऐसे करने से वो व्यक्ति क्या है, भगवान की सेवा में लग जाता है, तो ये उसका मूल धर्म है। तो ऐसे भक्तों को भगवान विशेष कृपा देते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान विशेष कृपा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वो कैसे बोलता है, कैसे बोलता है मतलब क्या, कि उसके अलग अलग जो
उसके साथ चीजें होती हैं, हाँ, कोई घृणा करता है, कोई दोष देता है, कोई आपको गुस्सा करता है, कोई प्रेम करता है या कुछ भी नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप कैसे व्यवहार करते हो, कैसे व्यवहार करते हो? ये जो व्यक्ति होता है सुख और संकट में संतुलित होता है। सुख तो के समय कृत्वा लाभा लाभा जया जो तथा युद्धा युच्छस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। उसको सुख मिले संकट मिले शांत रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त रहता है, कोई भी चीज से उसको आसक्ति नहीं रहती, किसी का भय नहीं रहता और उसको क्रोध नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति होता है। एक बार शिवजी को उनके ससुर जी ने अपमान किया, उनकी ही असेंबली में उन्होंने अपमान किया, बोला कि तू, क्योंकि वो दक्ष प्रजापति थे उनका नाम, वो अपने आश्रम अपने असेंबली में आए तो सब लोग उठे, पर शिव जी अपने ही धुन में थे, कृष्ण भगवान को याद कर रहे थे, राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम राम, ऐसे बोल रहे थे और मग्न थे, चिंता में थे या मनन कर रहे थे भगवान का, तो उनको पता ही नहीं चला कोई आया है, तो उठे नहीं वो, तो बहुत गुस्सा हो गया कौन, दक्ष प्रजापति, बोला कि तुम एक शमशान घाट में रहने वाले, हाँ, मेरी लड़की में तुम्हारे साथ क्या शादी कर ली, तुम अपने बहुत बड़ा समझते हो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला उनको, बट शिवजी ने कुछ नहीं किया। शिवजी इतने शक्तिशाली भक्त हैं, देवता हैं, तो वहीं पे श्राप देके दक्ष को प्रजापति को मार सकते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया, शांत रहे और वहां से निकल गए, अपने कुछ एक शब्द नहीं निकाला और निकल गया। इसको बोलते हैं संतुलित व्यक्तित्व। ये जो व्यक्ति है आत्मारामी व्यक्ति है, उसको तुम कितना भी गुस्सा करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक बार शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, एक बार एक मॉन्ट्रियल के चर्च में एक लेक्चर दे रहे थे, और उनके ही आश्रम में एक एक दो हफ्ते से एक व्यक्ति आता था मुखर्जी करके, तो वो रोज आता था। अब वो भी चर्च में पहुंच गया और प्रभुपाद चर्च में बता रहे हैं भगवद गीता कितना महत्वपूर्ण है वगैरह। अब ये व्यक्ति उठ गया अपनी जगह से, मुखर्जी, बोला कि तुमने ये क्रिश्चियन लोगों को नहीं बताना चाहिए कि भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवद गीता सबसे श्रेष्ठ है, ये गलत कर रहे हो तुम, ऐसा चिल्लाने लग गया। तो प्रभुपाद शांति से खड़े रहे, कुछ नहीं बोले और व्यक्ति चले गया। अब दो तीन दिनों के बाद शिला प्रभुपाद ने उसको बुलाया, बोला कि कहाँ गया मुखर्जी, क्यों नहीं आया? तो वो बाकियों ने बोला, प्रभु जी वो प्रभुपाद आपको वो बुरा भला कहता है, क्यों आप पूछ रहे हो उसको? अरे हो सकता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ उसको बोला हो, उसको बुलाओ आप। ऐसे ये आत्माराम व्यक्ति को आप उनकी तारीफ करो, उनको आप कुछ उल्टा पुल्टा बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो शांति से अपने काम में लगा रहता है और वो एकदम इक्विपॉइज्ड, बोलते इंग्लिश में एक वर्ड है इक्विपॉइज्ड, बिल्कुल इधर उधर हिलता नहीं है ऐसा। तो ये हो गया कैसे बात करता है। अभी कैसे वो बैठता है, तो इसके लिए एक कछुए का एनालॉजी दिया गया। कैसे बैठता है मतलब क्या, अपनी इंद्रियों को और मन को वो कैसे काबू करता है, जैसे कोई कछुआ होता है। अब कछुआ क्या करता है, जब कोई डेंजर होता है तो वो अपने शेल में चले जाता है, और डेंजर नहीं होता तो हाथ पैर बाहर निकाल के चलना चालू कर देता है। वैसे ही यहाँ पे श्लोक दिया गया है 58वां श्लोक, यदा संभरते चायम कुरमु अंगानि वसर्वशा इंद्रियानि इंद्रियार्थिभ्यः तस्य तद्यापतिष्ठिता। ये जो आत्माराम व्यक्ति है, क्या करता है वो अपनी इंद्रियों को सिर्फ भगवान की सेवा में लगाता है, और जब सेवा खत्म हो गई तो इंद्रियों को अंदर ले लिया, इंद्रियों को छोड़ दिया, जब चाहिए तभी इंद्रियों को यूज किया। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया हमारा, हम इंद्रियों को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं, जो भी देख रहे हैं देख लो, एंजॉय करो, जस्ट डू इट। अरे भाई जस्ट डू इट से प्रॉब्लम होता है लोगों को, है ना। इसीलिए ऐसे व्यक्ति क्या करता है, अपनी इंद्रियों को बहुत अच्छे से काबू में रखता है ना। जैसे हम बाहर जाते हैं, अभी तो कोरोना कहीं जाते नहीं है, पर जब कोरोना नहीं होता तब जाते हैं, तो विंडो शॉपिंग करते हैं और जो भी मन में आ गया शॉपिंग कर लेते, कहीं ठेले पे पानीपुरी दिख गया खा लेंगे, होटल में जाएंगे जो भी मिल गया खा लेंगे। इसका मतलब कि इंद्रियों को छोड़ दिया, छूट दे दिया हमने, जो करना है करो भी तुम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये व्यक्ति जो होता है उसको अच्छे से काबू में रखता है मन, क्योंकि ये इंद्रियां कहीं भी इधर उधर जाने की संभावना होती है, कुछ भी गलत सूरत करने की संभावना होती है, इसलिए उसको क्या करता है वो पकड़ लेता है। एक बार एक बहुत बड़े भक्त थे हरिदास ठाकुर, वो अपने ही आश्रम में या गुफा में जप कर रहे थे, और वहां पे एक वेश्या आई, और वेश्या ने
उनको बोला कि आप एकदम इतने तरुण दिखते हो, इतने अच्छे व्यक्ति हो, चलो हम एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा जो रोज का जप करने का टाइम है वो अभी खत्म नहीं हुआ, तो आप बैठे रहो, मैं आपको जब हो गया मैं बताऊंगा। पूरी रात भर करते रहे जब, और वेश्या बोर होकर निकल गई। ऐसे तीन रात हुआ वो बिल्कुल टस के मस हिले नहीं हरदास ठाकुर, और ये आती रही तीन बार, सुंदर थी और वो बहुत। तो तीन दिन के बाद सुन सुन के वो वेश्या का ही परिवर्तन हो गया। इनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इस कछुए के जैसा अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया था। कुछ भी हो जाए मैं अपनी जप नहीं छोड़ूंगा, इधर उधर अपने मन को और इंद्रियों को भटकने नहीं दूंगा, ये उनकी खासियत थी। ठीक है, तो आज हम ये भी विराम देंगे, थोड़ा सेक्शन बचा है जो हम अगले सत्र में कवर करेंगे, लास्ट सेक्शन चल रहा है ये, तो दो तीन पॉइंट बचे हैं जो हम अगले सेक्शन में कवर करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये भी विराम देंगे, तो अगले सेक्शन में हम अगले दो सेशन में हम तीसरा अध्याय भी खत्म कर देंगे, ताकि फिर जो जो भक्त नए हैं वो रविवार के सत्र में आ सके। वासुदेव चित्र प्रभु, आपको कुछ अनाउंसमेंट करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, जस्ट कल की क्लास का अनाउंसमेंट है कि जो लोग आज जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल भी जुड़िए, ताकि आप लोग उस इन लिंक में रहें, आपका कुछ मिस नहीं हो, बिकॉज ये कुछ सेशंस के बाद हम वापस उसी क्लास में आगे बढ़ेंगे और आप सब लोग भी उससे जुड़े रहेंगे, तो आप भी उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज कल भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू। और जो जो भक्त अभी तक जप नहीं कर रहे हैं तो जप शुरुआत कर सकते हैं। जप करना बहुत सिंपल है, आपको दो ही मंत्र बोलने हैं। शुरुआत में आपको बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, और उसके बाद सिर्फ बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जप कैसे करना है मैं व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजूंगा, पर ये तो स्मिता माता जी बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जप कैसे करना है बताइए। तो जप ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, क्योंकि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही एक ही है जो हमें आगे बढ़ा सकता है, बाकी सब प्रोसीजर्स बहुत लंबा टाइम लगेगी। तो कलयुग में बोला गया है कि भगवान ने नाम के रूप में जन्म लिया है, तो इसीलिए हमें जप करना जरूरी है। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार से बोला गया है, तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र हमें जप करना है जितना कर सकें। अभी कई भक्त डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा कर रहे हैं, पर आप जो नए हैं जो पहली बार कर रहे हैं वो 10 मिनट चालू कर सकते हैं। 10 मिनट में एक माला होती है, एक माला मतलब 108 बार, तो आप 108 बार चालू कर सकते हैं। हार्डली 10 मिनट लगते हैं और आप खुद ही अनुभव करेंगे कितना आपको सुकून महसूस होता है। तो ये आप रोज सुबह उठ के या जब भी आपको समय मिले, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी समय करना है, नहा धो के करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इमीडिएटली उठने के बाद भी कर सकते हो, सोने के पहले भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, तो आप बैठ के कर सकते हो। इनके पास जप माला नहीं है, वो गुंगलियों पे कर सकते हैं गिनने के लिए, और बहुत आसान है। और मैं आपको वीडियो भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि जप कैसे करते हैं, तो आप जान के प्लीज चालू कीजिए, इसका बहुत लाभ होता है। इसमें से कई भक्त हैं आप जो अभी देख रहे हैं, इनको बहुत लाभ हुआ है और वो कल कर रहे हैं अभी माला बहुत बहुत दिनों से। तो प्लीज जो जो नहीं कर रहे हैं उनसे सबसे अनुरोध है कि प्लीज करें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को और? नहीं प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में आए। तो अगले सेशन में कल मिलते हैं रविवार के सत्र में। थैंक यू। हरे कृष्णा।